हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है टॉप 10 एग्रीकल्चर जॉब आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। फ्रेशर स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपको टॉप 10 एग्रीकल्चर जॉब की बेस्ट से बेस्ट जो जॉब है वो बताने की यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, नंबर वन में AFO यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। सो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हर ईयर IBPS जो है वो BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकालता है ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट के लिए। इसमें IBPS AFO में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में आपको वर्क क्या करना पड़ता है, तो देखिए ये है पब्लिक सेक्टर बैंक होती है। इसमें वर्क करना आपको ये पड़ता है कि जो बैंक है वो रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स यानी कि जो फार्मर्स को, किसानों को लोन दिया जाता है, उन्हें जो AFO है वो रिकवरी करने का काम करता है। साथ ही साथ ये फील्ड वर्किंग का भी कार्य कभी कभी करता है, उनको दिया जाता है तब वो करते हैं। ठीक है, तो ये रही बात वर्क की। बात कर लेते हैं अब हम किसकी, तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो अप्रोक्स स्केल वन की जो सैलरी है वो इनको मिलती है, अप्रोक्स बात करें तो 40,000 रुपए इनको सैलरी मिलती है। बात करें जॉब लोकेशन की, तो ऑल ओवर इंडिया अकॉर्डिंग टू योर जोन। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया होती है जॉब लोकेशन अकॉर्डिंग टू योर जोन। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो है और जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर नंबर वन पे था वैकेंसी हमारा। चलिए बात करते हैं हम सेकंड वैकेंसी की। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है। सेकंड वैकेंसी हमारा जो निकल के आता है वो है आपका ACF। ACF का मतलब होता है असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर। ये जो वैकेंसी है ये अभी आई हुई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, CGSEF जो कि असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर की ये वैकेंसीज होती है, जो कि दोस्तों BSc एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है, जो SA फ्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जॉब लोकेशन की, तो ये स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, जिस स्टेट में ये जो वैकेंसी आई होती है उसी स्टेट में ही आपको क्या मिलता है, ज्वाइनिंग मिलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की, तो इसका जो सैलरी है वो UPSEF के अकॉर्डिंग 56,000 रुपए पर मंथ है। और जॉब लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया कि स्टेट ओनली, सिर्फ जो स्टेट में आ रहता है उसी स्टेट में आपको ज्वाइनिंग जो है वो मिलता है। ठीक है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पर ये जो वैकेंसी है ये निकलते रहती है। अगर हम बात करेंगे इसके सैलरी की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेड पे इसमें 5,400 रुपये रहता है और 56,000 रुपये इसका पर मंथ सैलरी होता है अकॉर्डिंग टू UPSEP। ठीक है, UPSEF के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का क्या है वो नहीं पता, लेकिन अप्रोक्स इतना ही छत्तीसगढ़ का भी होगा। इसमें वर्क क्या करना पड़ता है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है SEF की, तो इट सुपरवाइज वेरियस वर्किंग फील्ड यानी कि जो ट्रीज होती हैं। ठीक है, जो ट्रीज होती हैं उनका देख रेख करना होता है, जितने भी गवर्नमेंट्स के तरफ से जो फॉरेस्ट मिला रहता है उनकी देख रेख यहाँ पे ये SEF जो है उनके अंडर होता है। ठीक है, चलिए थर्ड वैकेंसी अपन बात करते हैं तीसरे वैकेंसी की। तो जो तीसरा वैकेंसी निकल के आता है वो है आपका कौन सा, तो FCI और इसमें आपका मैनेजर टेक्निकल ये पोस्ट रहती है। ठीक है, तो इस पोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो फूड कॉरपोरेशन इंडिया नाम सुना होगा आपने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अगर हम जॉब लोकेशन की बात करेंगे इसमें, तो जोन के अकॉर्डिंग, आपके जोन के अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया में जॉब लोकेशन होती है। इसमें बात कर लेते हैं हम स्केल पे की, तो देखिए इसमें जो
आपको पर मंथ मिलने वाला है वो है आपको 40K to 1,40,000 रुपीज। ठीक है, अभी बात करते हैं जॉब लोकेशन। तो अकॉर्डिंग टू योर जोन, जिस जैसे कि जोन है उस हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में ये वैकेंसीज निकलती है, FCI इसको कंडक्ट कराता है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो BSc एग्रीकल्चर, यहाँ तक कि यहाँ पे फ्रेशर जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और INR जो सैलरी होती है वो होती है आपकी 40K, और IDA स्केल पे जो होता है वो होता है 1,40,000 रुपीज। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें वर्क क्या करना होता है आपको, तो ओवरऑल इंचार्ज ऑफ ए फूड स्टोरेज डिपार्ट और गोडाम्स, इसमें आपको जो गोडाम्स होते हैं उनका इंचार्ज बनाया जाता है, मैनेजर बना दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको कि BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट और फ्रेशर जो है वो अप्लाई कर पाएंगे, तो आप ये वाला जो वैकेंसी है इसमें भी फॉर्म फिलअप करके एक अच्छी सैलरी पा सकते हो एग्रीकल्चर के फील्ड में जॉब करके। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि निकल के आता है AEO, और इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। इसको हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में इसे हम रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हम रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के नाम से इसे जानते हैं। AEO का मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, और RAEO का मतलब रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों का वर्क भी सेम होता है। बात करें इसमें स्केल पे की कि कितना आपको मंथली सैलरी मिलता है, तो इसमें आपको अप्रॉक्स 22K 22,000 से 66,330 रुपया पर मंथ इसमें आपको सैलरी देखने को मिल जाता है। वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या होती है, टू एक्सपेंड ऑल द टेक्नोलॉजीज इन चार टू द फार्मर्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, यानी कि आपको जितने भी नए नए टेक्नोलॉजीज आती हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, उन सभी को आपको फार्मर्स तक यानी कि किसानों तक पहुंचाना होता है। तो कृषि के अंतर्गत जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उन सभी को आपको फार्मर्स तक बताना होता है, पहुंचाना होता है। ठीक है, तो यही वर्क होता है एक AEO का या RAEO का। ठीक है, तो ये थी जॉब लोकेशन, स्टेट ओनली रहता है, यानी कि सिर्फ जो स्टेट में निकले रहेगा ये वैकेंसी वहीं के स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, और जो जॉब लोकेशन रहेगी यानी कि ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, तो स्टेट वाइज मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे आएगी वहीं पे आपको मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया BSc एग्रीकल्चर। आगे नेक्स्ट वैकेंसी की अपन बात करेंगे, तो नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी SO की। ठीक है, SO इसका मतलब होगा सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जो कि अभी निकली हुई है दिल्ली में, ये स्टेट वाइज जॉब है। ठीक है, स्टेट ओनली, तो ये अभी आई है DDA दिल्ली में। ठीक है, और ये सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है। ठीक है, इसका जो सैलरी बात करें अगर हम, तो इसका जो सैलरी होता है वो होता है आपका 40,000 रुपीस अप्रॉक्स, बात करें 40,000 रुपीस। ठीक है, और DDA SO जो है उसका जो सैलरी है वो है 40,000 ही समझिए, 2,000 रुपये और बढ़ गया उसमें। ठीक है, यानी कि 42,000 रुपये, 42,000 रुपीस। ओके, तो अप्रोक्स तो मैंने बता दिया आपको कि 40,000 होगा। इसमें वर्क क्या होता है आपका, तो डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, तो जिस स्टेट में ये जो वैकेंसी आई हुई रहती है जहाँ पे ज्वाइनिंग मिलता है उनको, तो वहाँ का जो हॉर्टिकल्चर जो फील्ड होता है उसमें डेवलपमेंट करने का जो काम है, वर्क है, वो एक सेक्शन हॉर्टिकल्चर जो ऑफिसर होता है वो करता है। ठीक है, तो इसमें जॉब लोकेशन स्टेट ओनली होता है, ओनली स्टेट में। क्वालिफिकेशन है वो है आपका BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट, फ्रेशर स्टूडेंट भी अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की,
इससे पहले वीडियो अगर पसंद आ रही होगी आपको तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर 6 का जो वैकेंसी है वो है आपका TA। TA का मतलब होता है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रुप सी की जॉब है। यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो 2400 रुपये ग्रेड पे पर सैलरी है इसका। अगर बात करें नियर अबाउट तो 28,000 रुपये 28,000 रुपीज पर मंथ इसका सैलरी बनेगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो स्टेट ओनली, मतलब जिस स्टेट में ये वैकेंसी आई है उसी स्टेट में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर बात करेंगे वर्क की तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी KVK होते हैं, इंस्पेक्शन होते हैं, सॉइल सैम्पलिंग होती है, बहुत सारे, तो ऐसे वर्क एग्रीकल्चर TA टेक्निकल असिस्टेंट को दी जाती है। और अकॉर्डिंग टू टाइम इनके जो टास्क हैं वो चेंज किए जाते रहते हैं। ये हो गई दोस्तों हमारे 6 नंबर की वैकेंसी की, जो कि एग्रीकल्चर TA है। और अब बात करेंगे हम अगले वैकेंसी की, इसमें क्वालिफिकेशन आपका BSc एग्रीकल्चर ही मांगता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वैकेंसी की, 7वां नंबर का जो वैकेंसी है वो निकल के आता है आपका SBI JAA। ठीक है, SBI JAA इसका मतलब होता है जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी होती है इसको हम जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भी BSc एग्रीकल्चर जो फ्रेशर स्टूडेंट है और BSc एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर पाते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि SBI क्या होता है, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक होता है और ये गवर्नमेंट होल्ड कोऑपरेटिव बैंक होता है। ठीक है, अगर हम सैलरी की बात करें इसमें तो सैलरी जो JAM में मिलती है वो मिलती है आपको 31,500। ठीक है, कितना, 31,500 2020 जनवरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बात करें जॉब लोकेशन की तो ऑल ओवर इंडिया अकॉर्डिंग टू योर जोन वाइज रहता है। ठीक है, तो ये वैकेंसी होती है, इसमें वर्क क्या करना पड़ता है आपको, तो इसमें जो वर्क की बात करेंगे तो वही होता है जैसे कि FO में होता है, एग्री जो लोन होता है, एग्रीकल्चर जो लोन होता है जो फार्मर्स लिए रहते हैं उनका आपको रिकवरी करना पड़ता है, असिस्टेंट प्रोवाइड कराना होता है किसानों को। ठीक है, तो इसी प्रकार जो वर्क है वो जूनियर एग्रीकल्चर जो एसोसिएट है वो करता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, BSc एग्रीकल्चर जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो निकल के आती है दोस्तों वो है हमारी क्या, FRO यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। ये अभी अभी RPSC यानी कि राजस्थान में कंडक्ट की गई थी या वहाँ ये वैकेंसी जो है वो आई हुई थी। ये जो जॉब है या वैकेंसी है ये स्टेट ओनली है, मतलब कि जिस स्टेट में जिस राज्य में आई हुई है वहीं पे आपका इसमें ज्वाइनिंग मिल पाएगा। ठीक है, इसमें हम सैलरी की बात करें तो नियर अबाउट इसमें जो सैलरी मिलता है आपको वो मिलता है 45,000 to 50,000 rupees पर मंथ। इसमें आपको वर्क क्या करना पड़ता है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द रूलर ऑफ ऑल गवर्नमेंट फॉरेस्ट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर पूरी मैनेजमेंट होती है, किसकी मैनेजमेंट होती है, जो फॉरेस्ट प्रॉपर्टीज की, जो कि एक रेंज जो FRO जो है उसके अंडर में होता है ये सभी जो वर्क होता है वो। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, फॉरेस्ट प्रॉपर्टीज हैं, उनका मेंटेन करना और उनका सुरक्षा करना, ये जो वर्क है एक FRO का वर्क होता है। ठीक है, तो इसमें जो जॉब लोकेशन मैंने बताया जैसे कि आपको कि स्टेट ओनली होता है, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है, तो BSc एग्रीकल्चर इसमें क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी जो निकल के आती है हमारी वो है कि UP SSC CS। UP SSC CS ये क्या होता है, तो ये होता है कैन सुपरवाइजर। ठीक है,
और जो कैन सुपरवाइजर है ये भी एक स्टेट ओनली गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, यानी कि जिस स्टेट में आती है उसी स्टेट में आपका ज्वाइनिंग होता है। इसमें जो टोटल जो ग्रेड पे होता है वो होता है आपका 2400 ग्रेड पे, ठीक है। और इसमें जो सैलरी की बात करें सो इसमें जो सैलरी होता है वो होता है नियर अबाउट 27,000 to 28,000 रुपीस पर मंथ, ओके। इसमें वर्क क्या करना पड़ता है तो शुगर कैन रिलेटेड है और शुगर कैन जो मिल्स होते हैं रिगार्डिंग आपको वर्क करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो वर्क है वो दिया जाता है, ठीक है। तो एज ए कैन सुपरवाइजर को ये सभी जो वर्क हैं जैसे कि शुगर कैन हो गया और शुगर कैन जो मिल्क हो गया उसमें वर्क करना पड़ता है। और आप फ्रेशर हैं तब भी इसमें अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, तब भी यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर की हो और फ्रेशर हो तो भी ये कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी आती है और वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको ट्रिपल सी, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तब आप जो कैन सुपरवाइजर हो उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। क्या अगर आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है तब की स्थिति में आप जो कैन सुपरवाइजर है उसके लिए एलिजिबल रहेंगे पीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ। लास्ट अपन बात करते हैं दोस्तों 10th नंबर की, ठीक है, टॉप 10 एग्रीकल्चर जॉब में लास्ट नंबर के 10th नंबर की जॉब की बात करें तो ये है आपका एजीटी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी। तो इसको एजीटी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है मैंने एजीटी यहाँ पे अभी बोला है। दोस्तों ये इफ्को में आती है, आपने इफ्को नाम सुना ही होगा, इफ्को खाद में जो वैकेंसी है वो निकल के आती है। अगर हम बात करेंगे कि ये कैसी संस्था है तो ये दोस्तों कोऑपरेटिव लिमिटेड है। सैलरी की बात करेंगे इसमें हम, सैलरी क्या होता है इसमें तो अप्रोक्स 2019 के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो 33,300 रुपये इसमें सैलरी होता है, ठीक है, एजीटी का। और लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया अकॉर्डिंग टू यूर जोन, ठीक है। तो इसमें जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर पाएंगे और जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी में। तो ये इफ्को की तरफ से कंडक्ट कराई जाती है जो कि एक बहुत ही अच्छी जॉब है। इसको फ्रेशर स्टूडेंट के साथ साथ आपका बीएससी एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर पाएगा। तो ये रही आज की टॉप 10 जो एग्रीकल्चर जॉब है उसकी लिस्ट आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर एंड फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट कुछ शो हो रही है जो आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार और कि ये जो वैकेंसीज है ये टॉप 10 एग्रीकल्चर जॉब के लिस्ट हैं। तो डियर एग्रीयंस थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आई होगी इंफॉर्मेशन आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी अपने फ्रेंड्स के पास ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट है उनको पता चल सके इन जॉब्स के बारे में। कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए होगा तो हम जल्द इसका सेकंड पार्ट आपके पास लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।